सो हेलो गाइस, तो आपका थर्ड पार्ट में स्वागत है इस थर्ड पार्ट के सीरीज़ में। तो जैसे आप लोग जानते हो, हम लोग हमारी इनोवा टाइप 1 से टाइप 4 करने वाले हैं। तो ये इस पार्ट का थर्ड पार्ट है, इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने ये गाड़ी है, बन के रेडी हो चुके हैं। जो उसके जो फिटिंग्स होते हैं, जो अलाइनमेंट होते हैं, जो वेल्डिंग के कुछ काम होते हैं, वो सब कुछ फिट हो के गाड़ी पूरी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। सिर्फ थोड़े जैसे जो लोगो है, जो ऊपर के सामने वाले क्रोम की पट्टी है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बाकी है गाड़ी में, वो थोड़े टाइम के बाद लग जाएगी। जैसे ही मैं वो ला दूँगा तो वो फिट हो जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ये फ्रंट आप देख सकते हो, ये पूरा रेडी हो चुका है। जैसे आप लोग दूसरे वीडियोज़ में देखते हो, ये गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। अब सामने की तरफ से रेडी हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हो, जो ये जो काले पार्ट्स है, जैसे ब्लैक पार्ट्स है, जैसे वो फेंडर, बोनेट, बम्पर, लाइट्स, ये सब कुछ नए डाले हैं हम लोगों ने। तो इसी वजह से उन पे पेंट नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है गाइस, जैसे अब वो जो नए पार्ट्स होते हैं उस पे कंपनी पेंट मार के नहीं देती है, वो ऐसे ब्लैक बेचते हैं, ताकि जब आप रिस्टोरेशन के टाइम पे, जब आप सीरीज चेंज करने के टाइम पे, या टाइप 1 से टाइप 4 करने के टाइम पे, क्या होता है, आपका मनपसंद पेंट आप इस पे चढ़वा सकते हो या आप पेंट कर सकते हो। सो इसी वजह से कंपनी क्या करती है, वो काले पेंट में मैन्युफैक्चर करती है, और जैसे हमारे पास आते हैं तो हम लोग हमारा मनपसंद चाहे वो पेंट हम कर सकते हैं, आपको जैसे मनपसंद आपका पेंट हो। तो जैसे साइड में आप लोग देख सकते हो, ये राइट साइड है गाड़ी की, आपको मैं लेफ्ट साइड दिखा देता हूँ, ताकि क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी पे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पार्ट्स है, जो आप दरवाजे देख सकते हो, दोनों सामने वाले और पीछे वाले दरवाजे। तो क्या हुआ है, बेसिकली इनका पेंट निकाल चुका है, ताकि इस पर अभी नया पेंट हो सके, क्योंकि जो पुराना पेंट था वो ख़राब हो चुका था, उसकी पपड़ियाँ बनकर निकल रही थी। तो इसी वजह से वो पेंट हम लोगों ने निकाल चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वाइट गाड़ी थी इसलिए इस पर वाइट पेंट था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो जैसे इस साइड का पेंट निकाला है, वैसे ही राइट साइड का भी पेंट निकालेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वाइट साइड, यहाँ पर इस साइड का पेंट निकालना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ गाड़ी के अंदर। जैसे हम लोगों ने, आप जानते हो, हम लोग गाड़ी के ऊपर पेंट करने वाले हैं, वैसे ही हम लोग गाड़ी के अंदर भी पेंट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी का हालत। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये ऐसा कुछ इंटीरियर लुक है इस गाड़ी का, ये देख सकते हो, हम लोगों ने पूरी चीज़ें निकाल चुके हैं। साइड के जो प्लास्टिक कवर्स होते हैं, सीट, यहाँ तक कि फ्लोरिंग, उसके ऊपर की जो कारपेट होती है, सब कुछ हम लोगों ने निकाल चुके हैं इस गाड़ी में। यहाँ पर जो रबर रहती है, जिससे जो दरवाज़ा बंद होता है, ओपन होता है, यहाँ पे वो तक हम लोगों ने निकाल चुके हैं। यहाँ पर देन वो दरवाजे की लाइट का स्विचेस, वो देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी वो दरवाजे के जो पैनल्स होते हैं, वो तक हम लोगों ने निकाल चुके हैं यहाँ से। तो मैं आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि जब कभी भी आप गाड़ी के बाहर से पेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लोग गाड़ी के अंदर भी एक बार एक नज़र मार लीजिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि गाड़ी के जो बाहर का हालत है, वैसे ही गाड़ी का अंदर का हालत ना हो। तो इसी वजह से जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखाया है, एक मिनट में आप लोगों को लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ी की हालत, गाड़ी ये 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ो गाड़ियों में, जैसे महिंद्रा की गाड़ियों में मैंने बहुत बार देखा है, उन गाड़ियों में सिर्फ 2 साल में जंग खा जाती है उनकी गाड़ी, 2 साल में, क्योंकि महिंद्रा का हम लोगों के पास भी एक्सपीरियंस बहुत है महिंद्रा का, तो हम लोगों को पता है महिंद्रा का एक्सपीरियंस। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ी को पूरा, गाड़ी जो आप लोग कहते हो ना, कोई जंग आ चुकी है, क्योंकि देखो 15 साल कोई छोटी बात नहीं है, 15 साल मतलब आप लोग देख सकते हो इस गाड़ी के ऊपर कितने बारिश आके जा चुकी है, गाड़ी कहाँ से कहाँ पे चल चुकी है, ये गाड़ी के टायर कितने बदल गए हैं, तो आप लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ वीडियो था हमारा,
जैसे थोड़े थोड़े कुछ काम बाकी है वो भी हो जाएंगे गाड़ी के। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी वेल्डिंग के काम हो चुका है, थोड़ा वेल्डिंग का काम भी हुआ था इस गाड़ी के ऊपर। यहाँ पे लाइट्स भी सब कुछ निकाल चुके हैं, पूरी गाड़ी अंदर से नेकड़ हो चुकी है। तो ये कुछ हमारा थर्ड पार्ट था इस गाड़ी के रिलेटेड। जैसे अगर आप लोगों ने मेरा जो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, मैं आई बटन पे आप लोगों को उसका लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन के ऊपर। तो ऐसा कुछ वीडियो था हमारा इस गाड़ी के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ फिट हो चुका है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। ये कुछ दो तीन चीज़ें, जैसे जो लॉक्स होते हैं, जो सामने वाली पट्टी होती है, जो लोगो होते हैं, वो सब कुछ हम लोगों को नए लाने हैं। वो भी जल्दी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी का काम तो हो ही रहा है इस गाड़ी के ऊपर। तो आप लोगों को भी एक सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर जो हम लोगों ने जो पेंट था पहले से वाइट, वो नहीं होने वाला है। इस गाड़ी के ऊपर कुछ अलग पेंट होने वाला है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो ऐसा ही कुछ हमारा इस गाड़ी का थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी गाड़ी की सीरीज पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही पसंद आते हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे देख सकते हो, देखिए ये गाड़ी को ऐसे देखने में बुरा लगता है, क्योंकि मैं गाड़ियों को बहुत ही पसंद करता हूँ। या जैसे हम लोग गाड़ी लवर्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं या कोई भी हो, वो गाड़ियों को, लेकिन क्या कहेंगे, गाड़ी का हाल ऐसा है। लेकिन जब ये गाड़ी बनेगी ना तो पूरे गोवा में अलग ही होगी, क्योंकि मैं पेंट ही वैसा करने वाला हूँ, जो मैं पेंट करने वाला हूँ, ऐसी गाड़ियाँ गोवा में बहुत कम है। सो गाइज, ऐसे ही कुछ वीडियो था हमारा, मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो कुछ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो पार्ट फोर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस गाड़ी का पेंट या रिवील करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। सो मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे दोनों सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हो, मैं आई बटन पर उनका लिंक दे दूंगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।